नमस्कार, आप देख रहे हैं जे जे न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका। तो समय हो गया उत्तराखंड की कुछ मुख्य खबरों का, तो आइए रुक करते हैं। उत्तराखंड राज्य में मौसम ने फिर एक बार करवट बदल ली है। सर्द हवाओं के साथ कई जिलों में बर्फबारी भी होने लगी है। चमोली जिले के दूरस्थ गांव पाना ईरानी में शनिवार को देर रात पीली आंधी से भारी नुकसान हुआ। आंधी से 17 से अधिक घरों और गौशालाओं की छत टूट गई। इस कड़ाके की सर्दी में ग्रामीणों ने रात खुले आसमान के नीचे बिताई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी में युवाओं से किया संवाद और मसूरी में किया मल्टी लेवल पार्किंग का लोकार्पण। अतुल कुमार गुप्ता ने बताया कि टनल में करीब 1000 लोगों के बैठने की क्षमता है, साथ ही 150 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को परेड ग्राउंड देहरादून स्थित बहुदेश स्पोर्ट्स हॉल में उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब द्वारा आयोजित बैडमिंटन प्रतियोगिता 2021 का शुभारंभ किया। 18 से 20 दिसंबर तक प्रतियोगिता राज्य आंदोलनकारी एवं पूर्व उपाध्यक्ष सचिवालय संघ संदीप मोहन चमोली की स्मृति में आयोजित की जा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संदीप मोहन चमोली के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब की पत्रिका प्रयास का विमोचन किया। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का सरकार पर बड़ा प्रहार। भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में अब तक लोगों के हितों पर चोट पहुंचाई। हरीश रावत का कहना है कि सरकार की नीतियों को लेकर जनता के बीच में जाऊंगा। गैरसैंण को लेकर हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें, हर बार चुनाव में गैरसैंण भी एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। गैरसैंण को राजधानी बनाने को लेकर कांग्रेस हमेशा हमलावर होती है। प्रदेश में सख्त कानून बनाए जाने की मांग को लेकर शुरू की गई 1000 किलोमीटर की भू कानून यात्रा आज गांधी पार्क देहरादून में समापन होगा। वहीं वरिष्ठ पदाधिकारी यात्रा का स्वागत करेंगे। दल के केंद्र मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सिंहवाल ने बताया कि यात्रा मुख्यमंत्री निवास के पास से शुरू की गई थी, जो चकराता, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल, हल्द्वानी, हरिद्वार होते हुए आज वापस देहरादून पहुंचेगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए जे जे एन न्यूज़। नमस्कार।